मैं डॉक्टर जानकी अम्बाल हूँ। मैं भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक हूँ। मैंने साइटोजेनेटिक्स और फाइटोजियोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा नाम हरगोविंद खुराना है। मैं एक भारतीय वैज्ञानिक हूँ। मैंने कृत्रिम जीन की खोज की है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। सन 1968 में मुझे इस खोज हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा नाम कल्पना चावला है। मेरा जन्म 15 मार्च 1962 को हुआ था। मैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हूँ। मैं अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ हूँ। मैं विक्रम साराभाई हूँ। मुझे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक भी कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मेरा काफ़ी योगदान है। मेरे ही नेतृत्व में 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। मैं चंद्रशेखर वेंकट रमन हूँ। मैंने प्रकाश के प्रकीर्णन को बताया है, इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रभाव के अनुसार जब कोई वर्ण की प्रकाश किरण किसी ठोस या विरल माध्यम से गुजरती है तो अत्यंत तीव्रता की कुछ अन्य वर्णों की प्रकाश किरण देखने को मिलती है। 28 फरवरी 1928 को मैंने इस प्रभाव की खोज की। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1930 को मुझे इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। मैं एक खगोल शास्त्री हूँ। मेरी ही खोजों से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की स्थिति की धारणा कायम हुई है। मैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हूँ। परमाणु एवं कॉस्मिक के विकिरण के क्षेत्र में मेरा विशेष योगदान है। मैं मुल्पाखी जलुना बुद्धिना बिरला हूँ। मैंने सुवेद ऐसे निर्देशित मिसाइलों का आविष्कार किया है। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नागवे आकाश नामक मिसाइलें मेरे द्वारा ही बनाई गई है। मेरा नाम जगदीश चंद्र बोस है। मैं एक भारतीय वैज्ञानिक हूँ। मैंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया है, जो पौधे की वृद्धि को मापने का उपकरण है, जिससे पौधों में संवेदनशीलता की जानकारी मिलती है। मैं डॉक्टर सी एन राव हूँ। मैंने सॉलिड स्टेट और मेटेरियल के रासायनिक क्षेत्र में काम किया है।